एपिसोड हो चुके हैं, एक माइलस्टोन है, बहुत भी आ गया है। कितना प्राउड फील हो रहा है वो बच्चों से मिलने के बाद भी यार मेहनत बन रहा है अगर इस बारे में कुछ और 100 एपिसोड हुए हैं तो मैं पर्सनली रिसेंटली यानी शायद हम लोग 50 एपिसोड के बाद आए थे 7 एपिसोड के बाद और काफ़ी अच्छा सफ़र रहा है जब से सही आए हैं जब से पैंडमिक के बाद ही मेरा फर्स्ट शो है और आई एम एंजॉइंग इट एंड आई लव प्लेइंग माय कैरेक्टर कनक एंड कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं आज है ग्रैंड पार्टी आज की पार्टी हमारी तरफ से आज 100 लास्ट भी क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से जिसने इतना प्यार दिया आपके शो ऑडियंस को यही बड़ी कि जितना प्यार आपने दिया है वो प्यार आपको लौटा रही हूँ मैं थैंक यू सो मच बहुत बहुत आभार सब इतना प्यार करते हैं मैं सोशल मीडिया में भी देखती हूँ कि लोग बहुत पसंद करते हैं कनक शिवागी जोड़ी को समर रसाल को सुभाष रसाल को और चौधरी को सबका कैरेक्टर को बहुत ही पसंद किया जाता है हम लोग एप्लीकेशन को मैसेज भेजते हैं अब मजा आते हैं थैंक यू सो मच बस इतना आप लोग हमें प्यार भी देंगे हम लोग आपका एंटरटेन करते रहेंगे थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली सर जब 15 साल के लंबे स्ट्रगल के बाद मेरे को एक शो मिला है तो मैं पहले एपिसोड से कर रहा हूँ और हम लोगों ने जो एपिसोड कम्प्लीट कर लिया है उसको सबको बहुत बहुत बधाई और सबको बहुत बहुत शुक्रिया बस ये जो 100 आया ना इसकी 0 आगे 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 बढ़ाते रहिए 0 100 का 1000 हो जाए 2000 हो जाए 5000 हो जाए ऐसे हम बढ़ते रहे अपने कैरेक्टर के बारे में बताना मेरे कैरेक्टर का नाम है मोहन सिंह ये शुरू से लुटेरा धंधा रहा है मतलब भेद बदलते हैं भेद बदल के मैं जाता हूँ लड़की से शादी करता हूँ शादी के बिल्कुल मौके पे सब सामान लेके गहने वहने लेके सब लूट के निकल जाता है तो लोग मैं और चंद्र की जोड़ी रही है यही किया है शुरू से शादी भेद बदला उल्टा और निकल और मुझे पहली बार ऐसा कैरेक्टर मिला है कि जिसमें एक ही कैरेक्टर में मेरे को बहुत सारे गेटअप देखने को मिले बहुत सारे डिस्गाइज मेरे किसी नाम से गेटअप से मतलब ईद के बाद मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है सारी टीम बहुत अच्छी है कमाल के बच्चों का मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा कि अपने टेलीविजन एक्टर्स हैं क्योंकि उनको उनको सब पता है कैमरा एंगल्स कहाँ है कौन सा शॉट चल रहा है उनको उनको स्टेज की नॉलेज तो उनके साथ बहुत मज़ा आ रहा है अभी तो लीव किया है लीव के बाद जो है धीरे धीरे हालांकि मज़ा आ रहा है अभी हम लोग बोलते रहे फैंस के लिए तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सो मच आपने इतना प्यार दिया है हमेशा रखिएगा टी आर पी ऐसी हाई रहे और जैसे मैंने बोला पहले भी 0 थैंक यू क्या कहना चाहेंगे कितना प्राउड फीलिंग आ रही है अभी अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आपका जो कैरेक्टर है ऐसा बहन प्रोटेक्टिव बहन है क्या बताना चाहेंगे प्रोटेक्ट बल्कि बहन भी इक्वली प्रोटेक्टिव होती है अपने घर के लिए कैरेक्टर है
भाई के लिए कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेगी। फर्स्ट शो तो पहला शो है आपका शायद ये, तो कितना अच्छा ब्रेक मानती हैं आपको जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं? लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि आप जो एक पार्टी में जाती हैं और आप काफ़ी नाराज रहती हैं, लेकिन आपके भाई को लगता है कि नहीं आप बहुत खुश थे, तो उस बारे में कहना चाहिए। एक्चुअली क्या भाई की बेबी शादी है, भाई की बेबी शादी है, पड़ेगा आ गया है, रुक रुक आपका जो मैं शो में ये कैरेक्टर है, रियल लाइफ में भी आप ऐसे ही पोर्ट्रे करती हैं? एक्चुअली आई एम वेरी लकी क्योंकि मेरी वेरी मच वर्षा वेरी वेरी सिमिलर टू लोटा, क्योंकि मैं भी रियल लाइफ में मेरी फैमिली में बहुत प्यार लाडली लगी, मेरे भाई का भी लाडली है, रचना लगी वर्षा भी लाडली है, सही को सही गलत को गलत। जैसे नायरा ने बताया आपका शो काफ़ी ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल रहा था, तो क्या एक्सपेक्टेशन से आगे शो कैसे जा रहा है? थोड़ा और हिल के पूछ सब तू चुप रहे मत बोल, अभी इंसल मत करा रही मैडम। ये भी जानना चाहूँगा जब शो का कॉन्सेप्ट आया था आपके पास, तो क्या आपको अट्रैक्ट किया शो का हिस्सा बनने के लिए, कैरेक्टर अट्रैक्ट किया, कॉन्सेप्ट कैरेक्टर क्या अट्रैक्ट किया आपको? देखिए शो का नाम हमेशा से था रक्षाबंधन, रफ्तार अपने भाई में था, यानी कि शो एक भाई और बहन का, जब शो शुरू हुआ था तब भाई बहन बिल्कुल दो छोटे बच्चे दिखाई गए, जिनका एक फादर है उमेश प्रताप सिंह जो कि गाँव का सरपंच है, एक सिंगल फादर है भाई की, वो अकेले ही बच्चों के लिए माँ का रोल भी प्ले करने की कोशिश कर रहा है, बाप का रोल भी प्ले करने की कोशिश कर रहा है, अपना काम भी देख रहा है, गांव का सरपंच भी देख रहा है, तो इधर एक आइडियलिस्टिक मैन, मतलब ऐसा लगा जैसे श्रीराम का एक इंसानी वर्जन है, ये अवतार है उनका, मुझे बहुत अच्छा लगा ये कैरेक्टर, आई वांटेड टू प्ले दिस कैरेक्टर, एंड इतना स्ट्रॉन्ग जो एक माचो मैन वाला जो कैरेक्टर होता है अल्फा मेल, वो कैरेक्टर उमेश करता था। सर ये भी कहना चाहूँगा कोई हर शो एंटरटेन और एजुकेट करता है, तो इसका बेसिकली मकसद क्या है, सोशल क्या मैसेज है, क्या सबसे बड़ा मैसेज ये है जो हमारी एक तरह से टैगलाइन भी रही है प्रपोज में कि एक भाई ही को अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है,
एक बहन भी अपने भाई को उसी तरह प्रोटेक्ट कर सकती है क्योंकि वो तो उतनी ही काबिल है कि भाई को प्रोटेक्ट कर सकती है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमन। ये शो का मेन मोटिव है। और सबसे बड़ी बात है इतना लॉन्ग 100 एपिसोड पूरा करना बहुत बड़ी बात है, उसके लिए क्या कहेंगे कि अभी तक का क्या सबसे बड़ा स्ट्रेंथ रहा इस शो का जो इतना लंबा चला ये शो अभी तक? आई थिंक स्ट्रेंथ ये रही है कि सभी एक्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरी टीम ने, टेक्निकल टीम ने बहुत मेहनत करी है, चैनल ने बहुत मेहनत करी है, शो की कहानी को डेवलप करी, प्रोडक्शन हाउस ने कोई कमी कभी भी खर्चा करने को तो आई थिंक सब जो सबका एक कंबाइंड करके हुआ है उसको इतना एक ऐसे मुकाम पर पहुँच गया कि 100 एपिसोड एंड स्टाइल फ्री स्टाइल देखो अभी अभी पूछेगा स्टाइल देखो टिंगू भाई आगे आज वो वापस आइए पूछेगा तो स्टाइल देखो पवन ये आए अजय देवगन। अरे मेरे अजय देवगन कैसे कैसे क्वेश्चन मारे अजय देवगन और मेरे अजय देवगन तो जो आपके फैंस हैं जो व्यूअर्स हैं इसके तो क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से कि क्यों शो देखें और आगे चल के किस तरह से इसका एक्सटर्नल ट्विस्ट होने वाला है, क्या मेजर? पहली बार एक भाई को नहीं देखा क्योंकि अक्सर आप देखते हैं लव स्टोरी होती है बदले की कहानी होती है उसमें सब कुछ है लेकिन द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज द लव बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर अर्थात इज कैसे वो एक दूसरे की ठान है एक दूसरे को प्रॉब्लम से बचाते हैं एंड देयर सो हेल्पलेस देयर लव वो एक बहुत प्यारी हुई इसके बारे में और आगे जाके कहानी में इतने सारे ट्विस्ट टर्न आने वाले हैं कि आप देखते रह जाएंगे। ये है मेरी रसा ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहेंगे कि आपने अभी तक हमको जितना प्यार दिया है जिसकी वजह से हमारा नंबर वन है उतना प्यार देते रहना हमारा और मेहनत करेंगे और आपको और ज़्यादा खुश करेंगे। आपने गन उठा रखी है क्या कहना है क्या ट्विस्ट आया शो देखिए शिवराज जी कैसा कैरेक्टर है तूफान की तरह मतलब उससे अगर आप पक्का लेंगे तो नीचे झूठ नहीं लेंगे वो तो मर्यादा जानता है लेकिन कभी हार नहीं मानता आज पीछे से बात करके हम आपको समझ मुझे बदला देना क्योंकि ये तो हमारी जायदाद देने वाला तो एक मौका देखते ही वो बंदूक घुमा के उसके मुंह में डाल देता है और बोलते हैं कि बोल अब क्योंकि मैं तुझे अगर गोली मारूंगा तो इट विल बी सेल्फ डिफेंस क्योंकि पहली गोली तूने चलाई मुझे कुछ नहीं होगा लेकिन फिर भी मैं तेरी जान रहा हूँ तो दैट्स माय मर्यादा।